हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे कि किसी भी नंबर का कॉल डिटेल आप निकाल सकते हैं कि नहीं। तो आज की वीडियो में हम आपको इस सब के बारे में स्टेप बाय स्टेप हम आपको बताएंगे। तो दोस्तों, यहां पर आपको वीडियो को शुरू से लेकर आपको लास्ट तक आपको देखना है, तभी आपको समझ में आएगा। तो वीडियो को हम करते क्या है कि शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, उसके साथ ही आपको वीडियो अच्छा लगे वीडियो को भी लाइक करें। वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको सबसे पहले आपको अपने मोबाइल फोन में आपको क्रोम ब्राउज़र एप्लीकेशन को आपको ओपन करना, ओपन कीजिएगा तो इसमें आपको सर्च करना है जीके जीएस हिंदी कॉल डिटेल। जैसे आप इसमें इतना सर्च कीजिएगा, उसके बाद देख लीजिएगा हम सबके सामने में ऊपर में एक ऑप्शन यहाँ पर मिलेगा कि हाउ टू चेक कॉल हिस्ट्री ऑफ ए नंबर जीके जीएस डॉट हिंदी काटो। यहाँ पर आपको करना क्या है कि आपको यही वाले वेबसाइट पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद देख लीजिएगा दोस्तों, हमारे सामने में खुश इस तरह का यहाँ पर इंटरफेस आएगा। तो दोस्तों, इसमें हमको करना क्या है कि हमको अपना दोस्तों क्रोम ब्राउजर है इसको हमको दोस्तों डेस्कटॉप सेट में करना है। तो उसके लिए करना क्या पड़ेगा कि देखिएगा ऊपर में ऑप्शन यहाँ पर मिलेगा कि यहाँ पर थ्री डॉट का, तो यहाँ पर आपको इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको इस तरह से आपको स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन कीजिएगा, नीचे में देखिएगा डेस्कटॉप सेट का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद देखिएगा हमारा ब्राउजर है वो यहाँ पर देखिएगा डेस्कटॉप सेट में हो गया है। तो यहाँ पर हमको करना क्या है कि हमको देखिएगा साइड में एक ऑप्शन यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर मिल जाएगा यहाँ पर कि गेट कॉल डिटेल। तो यहाँ पर हमको गेट कॉल डिटेल वाले ऑप्शन पर हमको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिएगा हमारे सामने में कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो मेरे दोस्त, यहाँ पर हमको इसमें करना क्या पड़ेगा कि हमको इस तरह से हमको स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पर दोस्तों देख लीजिएगा, नीचे में एक ऑप्शन यहाँ पर हमारे सामने में शो करेगा यहाँ पर कि कॉल डिटेल डाउनलोड। उसी के नीचे में ऑप्शन यहाँ पर मिलेगा कि एंटर वेयर नंबर। तो इसमें हमको अपना कोई सा भी हमको मोबाइल नंबर हमको इसमें एंटर करना है। एंटर कीजिएगा तो मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद देखिएगा नीचे में पूछ रहा है कि यहाँ पर सिलेक्ट वेयर सिम, तो इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जो भी कंपनी का सिम होगा उसको आपको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट कीजिएगा, यहाँ पर दोस्तों देखिएगा नीचे में ऑप्शन यहाँ पर दिखा देगा कि यहाँ पर गेट डिटेल का, तो इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर दोस्तों आपसे पूछ रहा है कि वेट, तो यहाँ पर आपको कुछ देर आपको वेट करना है। वेट करने के बाद देख लीजिएगा यहाँ पर हमारे सामने में कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। इस तरह का इंटरफेस आने के बाद देखिएगा नीचे में ऑप्शन यहाँ पर मिलेगा सक्सेस का, उसी के नीचे में दोस्तों एक ऑप्शन यहाँ पर मिल जाएगा यहाँ पर कि डाउनलोड कॉल डिटेल। तो यहाँ पर हमको करना क्या है कि हमको डाउनलोड कॉल डिटेल वाला ऑप्शन पर हमको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमको कुछ देर हमको वेट करना है। वेट कीजिएगा, फिर से दोस्तों देख लीजिएगा हमारे सामने में फिर से कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पर आपको इस तरह से आपको स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पर देखिएगा हमारे सामने में काफ़ी सारे ऑप्शन यहाँ पर हमारे सामने में इस तरह से यहाँ पर आएगा। तो दोस्तों यहाँ पर देखिएगा कहीं भी हमको कॉल डिटेल का यहाँ पर ऑप्शन यहाँ पर हमको नहीं दिया गया। दोस्तों, हम आपको बता दें, आप किसी भी नंबर का आप कॉल डिटेल आप नहीं निकाल पाएंगे, सिर्फ अपना ही मोबाइल का जो कॉल डिटेल होता है दोस्तों उसको आप फाइनली आप निकाल पाएंगे, वो भी अपने मोबाइल फ़ोन से। किसी दूसरे का कॉल डिटेल आप नहीं निकाल सकते हैं।